हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स ठीक है जी चलिए स्टार्ट करते हैं तो एन्वायरमेंट के अंदर आपको पता है दो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको साइंस एंड टेक् एंड पॉलिटी इकोनमी आई आर ये ज़्यादा कवर करेंगे उससे पहले मेन्स एडिशन एस यू नो के जो अफगानिस्तान वाला अभी जो केस हुआ तालिबान वाला वो अभी आज मॉर्निंग में मैम ने भी टू मिनट में करवाया आई होप के जो एडिटोरियल के अंदर भी डिस्कस हुआ होगा तो अगर उससे भी बाद में आपने बेसिक देखना है तो आप बेसिक भी वहाँ पे देख सकते हो जो हमने स्टार्टिंग के अंदर किया था ये है थर्टीनथ मार्च ठीक है जी तो डिपेंड करता है कि आप जो भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो सब कुछ अवेलेबल है अब पहले मेंस वैल्यू एडिशन हम आपको पता है न्यूज़पेपर से हम निकालते हैं कि भाई कौन से पॉइंट हैं जो हमने एक आधा मार्क्स लेना है जिससे सिलेक्शन होनी है ठीक है आप क्वालिफाई कर जाओगे मेंस के अंदर इंटरव्यू के अंदर ठीक ठाक मार्क्स आए लेकिन थोड़ी से पॉइंट से बंदा रह जाता है वो हमने काम नहीं करना तो मेंस के अंदर आपको आंसर के अंदर जो वैल्यू एडिशन करना है बाकी बच्चों से आधा एक नंबर एक्स्ट्रा लेना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो अभी देखो अटैक्स ऑन जजेस ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एफर्ट किया कि भाई जो जजेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं उसकी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो हम सेंट्रल कोई फोर्स नहीं बना सकते कि कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करे जजेस को प्रोटेक्ट करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई पुलिस जो है है ना उसका ये काम है और पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट का ये काम है स्टेट ही इसके ऊपर एफर्ट करे सो so, ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे आपको अब आप यूपीएससी के अंदर स्पोज करो ऐसा कुछ इश्यू आया कि जो रिसेंट जजेस के ऊपर अटैक हुआ है, एक तो आपको एग्जाम्पल वहाँ पे पता होनी चाहिए तो ये है मर्डर ऑफ जज इन झारखंड पहली बात दूसरी बात कि अब बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं या क्या एफर्ट है ना तो वहाँ पे आपको ये नहीं करना कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है या कुछ कर रही है अगर आपने वैसा आंसर लिखा वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा तो यहाँ पे साफ साफ बोला है एक उन्होंने बोला कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने गाइडलाइन दी है स्टेट्स को कि भाई आप जो है कि वो उसके हिसाब से काम करें उसके हिसाब से पुलिस फोर्स वगैरह लगाएं दूसरा पुलिस जो स्टेट का काम है तो स्टेट के हिसाब से अलग अलग स्टेट के अलग अलग चैलेंजेस हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है तो ये आपने ध्यान रखना है ऐसा न हो कि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कई बार क्या होता है हमें मान लीजिए जनरल हमें लगता है जनरल क्वेश्चन है तो हम सेंटर के परस्पेक्टिव से सारा लिख देते हैं वहां पर आपने ये गलती नहीं करनी ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर तो एक यहाँ पे फैक्ट है तो आपको बताया कि जो ऑटोमोबाइल स्क्रैपें पॉलिसी आई थी हमारी है ना हमने पढ़ी है कभी आपका इतने साल बाद पंद्रह से बीस का उन्होंने वेरिएशन रखा था वहां पे आप स्क्रैप के अंदर आपकी पुरानी गाड़ी चले जाएगी फिर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो नई गाड़ी की डिमांड आ गई तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर डिमांड इंक्रीज होगी और वो ग्रो करेगा ऐसा गवर्नमेंट का मानना है तो अब मेन्स के अंदर ये क्वेश्चन आ गया ठीक है जी तो डिस्कस करो तो पहली बात तो आपने जो भी चैलेंजेस हैं कि रजिस्ट्रेशन है है ना उसके बाद बहुत सारे रूरल एरिया के अंदर ऐसी गाड़ियां हैं जहां पे जिसका कोई आपको नंबर प्लेट तक नहीं मिलती वैसी गाड़ी को हम कैसे ऑनलाइन करेंगे इवन बहुत ही कम शहरों में ऐसा है कि ऑनलाइन आपके चलान आते हैं तो जो परिवहन ऐप है गवर्नमेंट की उसके साथ तो सब कुछ अभी तक लिंक नहीं है है ना जो अपनी जो नई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आई है उसके ऊपर भी काफ़ी फोकस गवर्नमेंट बड़े शहरों में तो कर रही है लेकिन रूरल एरिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है तो स्क्रैपिंग पॉलिसी अगर हम देखें जैसे मान लीजिए शहर है दिल्ली है दिल्ली के अंदर आप देखोगे दस पंद्रह साल बाद वो जैसे डीजल गाड़ी है उसको बहुत सारे आपके कॉम्प्राइज के ऊपर मिलती है वो दिल्ली से खरीद के कौन लेता है जो बहुत ही विलेज के अंदर रहता है या किसी और स्टेट में जहाँ पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है अब उस ट्रे उस स्टेट के अंदर भी जैसे मान लीजिए अब बीस साल होगी किसी कार को अब उसको लगता है कि शहर के अंदर मुश्किल है तो वो विलेज वाले को बेच देता है तो वो गाड़ियाँ हमारी विलेज के अंदर घूमती हैं तो ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज है दूसरी बात गवर्नमेंट ने क्या बोला तो वहाँ पर आपने लिखना है एज रिसेंटली है ना जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने क्या बोला ठीक है जी मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि जब हम ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो ट्वेंटी टू थर्ट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट जो जो व्हीकल की डिमांड इंक्रीज़ होगी पहली बात अब इससे अगर इंक्रीज होगी तो जीएसटी भी अपना कलेक्ट होगा तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जीएसटी भी हमें बढ़े हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो ये एस्टिमेट है गवर्नमेंट का देखते हैं लेट्स ही क्या होप है इसके अंदर वाटर स्ट्रेस अब ये भी एक डेटा है जो आपने याद रखना है क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछती रहती है अभी बहुत सारा वाटर स्ट्रेस तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो इंफॉर्मेशन है कि 256 जो डिस्ट्रिक्ट है टोटल 700 में से यहाँ पे जो पानी है वो ओवर एक्सप्लॉयटेड है पहली बात इन्फॉर्मेशन दूसरा जो ग्राउंड वाटर है अब देखो किसी भी टाइप से क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर के ऊपर तो क्वेश्चन आना ही है डेफिनेटली आना है तो वहाँ पर तो आपका लगेगा ही लगेगा कि भाई ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर पहली बात तो आपने ये डेटा तो आपको लगना ही लगना है चाहे आप एग्जाम के अंदर ये डायरेक्टली क्वेश्चन आए तब भी आपको एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा इसके अलावा अगर आपको हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आता है सेवेंटी परसेंट जो वाटर है सोर्स वो कंटेमिनेटेड है तो वहाँ पर डिजीज़ है तो ये एक ऐसा डेटा है अगर आपको वाटर के ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है तब लगता है अगर आपको एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है तब आता है अगर आपको हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आता है तब आता है अगर आपको सॉइल की क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तब वहाँ पर डेटा ये लगता है तो ऐसा डेटा जहाँ पर काफ़ी जगह के हम यूज़ कर सकते हैं उस डेटा को आपने थोड़ा सा ध्यान से रखना है क्योंकि वो आपके लिए एक एसेट है एग्जाम के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड एस यू नो कि भाई इंडिया का एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पे बहुत सारी यंग पॉपुलेशन है जो चाइना ने तो अपने टाइम के ऊपर जब यूथ थी उसकी काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे दी लेकिन इंडिया के आप कोविड भी आ गया है ना वैसे भी इकॉनमी थोड़ी सी ऐसी है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हमें देखने को इतनी नहीं मिलती ऑल तो अभी जो रिसेंट डेटा आया था उसने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट जो थी अनएम्प्लॉयमेंट वो कम हुई है इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं है कि भाई बहुत सारे लोगों की जॉब चलेगी उन्होंने जो अपना खुद कोई कोई ना कोई काम छोटा मोटा चला दिया और वहाँ से उसकी एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने काउंट किया था हमने ये डिस्कस किया था तो यहाँ पे अगर मीडियन एज देखें मतलब यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर के अंदर आती है मीडियन एज जो है इंडिया की वो 28 एट ईयर होगी बाय 22 23 तो अगर चाइना के देखो 37 सेवन एजिंग थोड़ी सी हो रही है वेस्टर्न कंट्री के अंदर तो वैसे फोर्टी फाइव है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो काफी डिमांड बढ़ेगी इंडिया को यह ध्यान रखना है कि मैनुफैक्चर कुछ ऐसे सेक्टर के ऊपर फोकस रखे जहाँ पर काफ़ी एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर पाएँ अदरवाइज जो ओल्डर एज एंड चिल्ड्रन वो तो डिपेंडेंट है ही तो यूथ भी जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वो आपकी सिक्योरिटी को भी खतरा है कैसे अगर आपने देखो तालिबान का इश्यू चल रहा है तो वहां से भी आप लिंक कर सकते हो। जितनी आपको जो सैलरी वगैरह ज्यादा देती हैं तो वहां पे काफी जो रेडिकलिज्म रैडिक, को मिलता है तो ये एंगल आप वहां पे जोड़ सकते हो अगर आईआर के अंदर आपको क्वेश्चन आता है तो डिपेंड करता है आपका कैसा आपने बिल्कुल ठीक है जी ठीक है अब सिलेंडर लॉरिस की बात करते हैं प्राइमेट है बेसिकली मेमल्स हैं जैसे ह्यूमन है एप है मंकी है ना वैसे ही ये सिलेंडर लॉरिस है ठीक है जी अब ये तमिलनाडु के रीजन के अंदर है अगर हम देखें कौन सा देखो यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है वो पहले ही देखती है कि ये वाला जो कोई भी स्पीसीज है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, है ना तो ये आपने ध्यान रखना अभी रिसेंटली हुआ क्या तमिलनाडु के एरिया जो फॉरेस्ट एरिया है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर क्या हुआ कि अब इसको प्रोटेक्ट करना है अब देखो यूपीएससी ने बोला कि अगर सपोज करो पहली स्टेटमेंट के अंदर बोला कि रिसेंटली ये इशू आया है ना उसके कंटेक्स में जनरल स्टेटमेंट आई आपके माइंड में आई यार हाँ इसको प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे लेकिन जो सर्वे हुआ था इसका जो सर्वे ने बताया था इसका नंबर इंक्रीज हुआ है ऐसा नहीं कि ये बहुत डिक्रीज हो रहा है और हमने प्रोटेक्शन की बात की ये आपने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में ठीक है अब ये इंडिजीनियस है इंडिया एंड श्रीलंका पहली बात तो अब यूपीएससी पूछेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर पाया जाता है वो गलत है स्टेटमेंट ठीक है जी अब जो फॉरेस्ट है उसके अंदर उसको इनको कंजर्व कैसे करना है इसका नंबर कंजर्व कैसे करना है इसके ऊपर जो डिबेट चल रही है एक तो उनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बोलता है कि जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है है ना कि उसको हम अप्लाई करें लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट क्या बोलते हैं कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दो लेकिन इश्यू कहाँ पे है क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब डिक्लेयर करेंगे एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इको सेंसिटिव जोन है ना जो एरिया अभी बनाया जाता है जो सेंसिटिव एरिया जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते अब जब ये बोल रहे हैं कि जब इको सेंसिटिव जोन आप बनाओगे है ना अब इस जोन के अंदर बहुत से लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ये इसकी अपोजिशन है तो एज सच अगर आपने सिलेंडर लॉरिस पहली बात आपने इंडिजीनियस कहाँ पे है या नेटिव कहाँ पे है दूसरी बात आयु स्टेटस एंड डेंजर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वन एंड साइट्स टू मुझे ये बताओ जब अगर कोई स्पीसीज हमने साइड्स टू अपेंडिक्स के अंदर रखनी है तो क्या उसका प्रोसीजर है मैंने आपको तीनों के बारे में बताया हुआ है ठीक है जी अब सेंसस हुआ तो वहां पे इसका जो पॉपुलेशन है वो ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिक्रीज डिक्रीज कर रही है तो मुझे ये बताना है अपने आंसर कि साइड्स के अंदर जो अपेंडिक्स टू के अंदर वन के अंदर टू के अंदर थ्री के अंदर हम जब स्पीसीज ऐड करते हैं वो कैसे करते हैं ऐड ठीक है जी ओके इशू मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी इशू हमारा प्री के लिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं लेकिन आपको जनरल बैकग्राउंड वहां पे पता होनी चाहिए तब वहां पे रट्टा नहीं मारना होता हमने केव लाइन देखो अभी यह कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है आपका आप सोचोगे ये कैसे क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज से कैसे लिंक्ड है कि एज यू नो कि भाई जो बहुत ज़्यादा आइस एज भी आई उस टाइम पे भी लाइन जो थे काफ़ी वो केव के अंदर को केव लाइन है बेसिकली उसका हमें जो प्रिजर्व मिला है ठीक है अगर हम बात करें कि भाई क्लाइमेट का अब इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है अगर साइबेरियन रीजन है या फिर हम आर्कटिक रीजन की बात करें जैसे जैसे अपना क्लाइमेट चेंज हो, हो रहा है वहां परमाफ्रॉस जो है वो पिघल रही है ठीक है अब परमाफ्रॉस्ट जैसे पिघल रही है तो नीचे से बहुत सारे जो हमें एविडेंस मिलते हैं पुरानी स्पीशीज़ के है ना एक्स का वेट करते हैं हम उसको धीरे धीरे पहले तो भाई आईसी थी हमें कुछ पता ही नहीं था है ना तो अब यही हुआ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे काफ़ी एरिया जो है एक्सकवेशन भी हुई है और वहाँ पे प्रिजर्व भी मिले हैं अब ये केव लाइन के मिले हैं केव लाइन बेसिकली फीमेल कब स्पार्टा एंड मेल बोरिस अब यू कई बार पूछ लेती है स्पार्टा एंड बोरिस रिसेंटली न्यूज़ के अंदर थे ये क्या है क्या दो मिजाइल हैं क्या दो कुछ भी नए सेटेलाइट है या फिर एस्टोराइड मिले है ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है यूपीएससी का जो हर साल एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है पहली बात तो आपने सिंपल सा याद रखना है ये के लाइन के नाम है कब के नाम है ठीक है जी अब दूसरी बात करते हैं इसको मेगा लाइन भी बोलते हैं लास्ट आइस एज का ओरिजिन इसका बताया जाता है और ये प्रोडेटर है ने, नेचुरली कि अगर लाइन है जो मेनली प्रोडेटर रहता है डी बेसन वगैरह को वो खाता है अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो साइंस कम्युनिटी बोलती है कि ये टेन परसेंट जो लार्जर था जो मॉडर्न अपना लाइन है उससे ठीक है जी अब ये बात रखनी है तो अब रीज़न क्या है इसका क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें देखने को ये मिला है अब यहाँ पे ये उसकी पिक्चर है केव लाइन की ठीक है ये प्रे है इसके क्योंकि ये प्रेडेटर है ठीक है जी लेंथ ब्रेथ ये आपने अगर ड्राॅइंग का शौक़ है तो आप कर लेना अदरवाइज जो कंसेपचुअल क्लैरिटी यहाँ पे देखो पहली बात परमाफ्रॉस्ट क्या है देखो परमाफ्रॉस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अलग अलग डेफिनेशन है यूपीएससी के अंदर जब डेफिनेशन मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए तो नासा ये बोलती है कि कोई भी ग्राउंड सॉयल है अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सॉयल है ये देखो पिक्चर अब ये वाली एक नॉर्मल सॉयल है ठीक है जी अब इसके अंदर प्लांट्स भी खड़े हुए हैं और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं वहां पे प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव है ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते रहते हैं और सॉइल की अगर मैं बोलूँ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते रहते हैं ना अब ये मान लीजिए सडनली वहाँ पर टेम्परेचर गिर गया जीरो डिग्री सेल्सियस फॉर टू ईयर लगातार दो साल के लिए तो ये क्या होगा जो सॉइल है वो परमानेंटली वहाँ पे दो साल के लिए अगर जम जाए जीरो डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू नासा तो उसको हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट ठीक है एट लीस्ट फॉर टू ईयर यह आपने याद रखना है ध्यान से ठीक है जी अब ऐसा नहीं कि छह महीने के लिए जम गई उसके बाद वो फिर पिघल गई तो वहां पे आप हम परमाफ्रॉस्ट उसको नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू नासा अब जब जीरो डिग्री सेल्सियस हो गया तो आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी काम करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर तो यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनएक्टिव हो जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर भी वहां पर है ना जो प्लांट्स वगैरह थे वो उसके अंदर ही जम गए वो ऐसे जम गए अब आपका होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है ठीक है जी टेम्परेचर बढ़ता है अब ये धीरे धीरे जो परमाफ्रॉस्ट है वह पिघलने लगती है ठीक है अब क्या होगा यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्टिव हो जाएंगे है ना और वो क्या करेंगे डिग्रेडेशन करेंगे अब डिपेंड करता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे बहुत सारी सी टू निकलेगी अगर नहीं है तो मिथेन फिर भी निकलेगी है ना और ये एटमॉस्फेयर के अंदर धीरे धीरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती रहती है यही कारण है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ऐसा बोला जाता है भाई आर्कटिक रीजन के अंदर भी इतनी परमाफ्रॉस्ट है कि भाई जितनी अभी एटमॉसफियर के अंदर हमारी सी है उससे भी ज़्यादा वहाँ से रिलीज़ हो सकती है अगर टेम्परेचर बढ़ता गया तो अभी कौन सी स्टेज है वहाँ पर ये वाली तो अगर टेम्परेचर बढ़ता गया तो ये पिघलेगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें क्रिएट होगी तो ये आपका परमाफ्रॉस्ट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको ध्यान से समझाया अब बात करते हैं 1.2 मिलियन टन जीएम एम सोया मिल पहले भी हमने किया था कि जीएम जो क्रॉप्स है उसको हम इंपोर्ट कैसे करते हैं देखिए पोल्ट्री के अंदर ये बोला जा रहा है कि जो सोयाबीन सीड है ठीक है जी पहले देखो सोयाबीन सीड है अगर इसका आप ऑयल निकालते हो उसके बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है उसको बोलते हैं हम सोया मील ठीक है जी ये प्रोटीन रिच होता है ये पोल्ट्री के अंदर फीड किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो तो जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है तो उन्होंने बोला कि हम जो जी एम जी एम सोया मील जी एम सोया मील की बात कर रहे हैं ये जी एम सोया मील को इम्पोर्ट करने की परमिशन दी जाए ये इनका कंसर्न था हालांकि उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट से क्लेरिफिकेशन मांगी थी अब गवर्नमेंट का क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लेरिफिकेशन क्या है ये हमारे लिए प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ये कहती है कि जी एम सोयाबीन जो है जी एम सोयाबीन कि अगर जैसे ये, ये वाला अगर मैं बोलूँ ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है ठीक है अब जी एम सोयाबीन है उसको हमने क्रश किया उसके अंदर ऑयल निकाला और जो लेफ़्ट ओवर है उसका वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है ध्यान से सुनना लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जैसे आपकी बीटी कॉटन है वहां पे आपने बैक्टीरिया के अंदर चेंज किया और वहाँ पे उसको ए, उसके अंदर डाल दिया तो वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हर जैसे यूरोपियन कंट्री है वो सेम ही मानती है दोनों को ठीक है जी अब वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन्होंने बोला कि ये वाला तो चलो ठीक है एल आप इसको मान दो ठीक है अब इसकी क्या इसको हम सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं नहीं एफ डब्ल एस ए आई की गाइडलाइंस है वो अभी मैं बताऊंगा पहले भी हमने की थी तो अब ये वाला तो हम सीधा इंपोर्ट नहीं उसकी नहीं बात कर रहे लेकिन हम लेफ्ट ओवर की बात कर रहे हैं तो एन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कहती है कि जो जिस आपको जो सोया मिल की बात कर रहे हो इंपोर्ट की वो तो एक्चुअली जो जी एम क्रॉप है ही नहीं उसके अंदर आता ही नहीं है वो नॉन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है तो उसका कोई ह्यूमन के ऊपर इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा तो वो तो सीधा इंपोर्ट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें दूसरा एफ डब्ल एस ए आई से पूछा गया कि भाई क्या ये इंपोर्ट कर सकते हैं उसने बोला हम फूड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि कौन सा फूड आना है फीड नहीं तो उसने बोला मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड उसने भी बोला कि ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर नहीं है ठीक है क्यों भाई लेफ्ट ओवर है इसको हम जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मानते नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना ऐसा गवर्नमेंट ने बोला कि ये रेस्ट्रिक्टेड ही नहीं है सिर्फ फिर भी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उन्होंने बोला कि भाई हमें गाइड यहाँ पे क्लेफिकेशन दे दो कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं नहीं बाद में आप कोई ना कोई फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो ये गवर्नमेंट ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कंसर्न क्या है लिविंग मॉडिफाइड प्लांट ठीक है तो उसका जो लेफ्ट ओवर भी होता है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जीन अगर लेफ्ट रह जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाए तो ये एक कंसर्न है हेल्थ के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा किसी को नहीं पता दूसरी बात एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये बोलता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है दूसरी बात यहाँ पे सिर्फ जी नहीं इसके जो प्रोडक्ट हैं जैसे अपना ये लेफ्ट ओवर है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जो जी एम एंड एल है ना तो अगर हम काट प्रोटोकॉल आपने पढ़ाया मैंने आपको पढ़ाया था है ना यहाँ पे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात की गई है लेकिन जब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात की इन्होंने तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जी और एल के अंदर स्टार्टिंग के अंदर डिफरेंस था थोड़ा बहुत लेकिन बाद में कंट्रियों ने इसको डिमिनिश कर दिया और एल एम दोनों को सेम ही मानते गए ठीक है अब यूरोप से ले लो बाकी सारी कंट्री ये जी ही मानते हैं उसको तो एग्जाम्पल इसकी हमने पहले भी पढ़ी हुई है है ना कौन से लेके कॉटन सोयाबीन ये सारे जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं दूसरी बात अब यहाँ पे इंडिया के अंदर इम्पोर्ट करने एफ डब्ल एस ए ने रूल निकाले इसने बोला कि जो वन परसेंट है जैसे मान लो कोई बाहर से जीएमओ कोई फूड आया उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की हम देखेंगे कितना है उसका तो अगर वो वन परसेंट से ज़्यादा निकलता है लैब के अंदर तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे ठीक है तो यहाँ पे यही बोला उन्होंने कि जो क्रॉप है वन परसेंट जो थ्री शोल्ड रखी गई इसकी ठीक है जी तो वहाँ पे उसको जो अगर नहीं है तो देन नॉन जी एम उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा इवन जो जी -E है ना तो ये ऐसी आपको पता है जो इवन आपका बी टी कॉटन से लेके सारी स्टडी यही करती है इसको भी पहले काम किए ये करती थी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा जो मेजर रोल है एफ डब्ल एस ए आई के अंदर फिर भी अगर मान लीजिए दोनों स्टडी करती हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एफ डब्ल एस ए आई क्या करती है कि ह्यूमन के ऊपर क्या इंपैक्ट है वो सारी स्टडी करती है उसके बाद अप्रूवल देना नहीं देना ये होगी एक बात एन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो देखती है कि एन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अप्रूवल देना नहीं देना यह दूसरी बात होगी ठीक है जी अब नेशनल जीन बैंक की बात करते हैं दोस्तों ओके तो अब देखो यहाँ पे टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन देखो दोस्तों मैंने आपको रिसेंटली बताया था एक एग्जांपल दी थी जो अपने मेंस में लिखनी भी है कि जब आ, अगर आपको क्रॉप के बारे में बीटी कॉटन के बारे में हम बात करते हैं पहले अगर मान लीजिए सौ वरायटी थी इंडिया के अंदर है ना भाई सौ वरायटी थी इंडिया के अंदर तो जो इंडिजीनियस कॉटन की अब आप एक बी कॉटन ले आए अब सपोज करो कोई पेस्ट अटैक होता है वो सारी बी कॉटन खत्म हो सकती है तो पहले वाली जो सौ है वो तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दी अब एक बची वो भी ख़त्म होगी तो पहले वाली जो सौ है उसको क्या करें तो उसके अगर हम सीड को निकालते हैं ना सीड वग़ैरह इसको हम प्रिजर्व करते हैं प्रिजर्व करते हैं अब ये प्रिजर्व कहाँ पर करने है? ठीक है ये तो सीड की बात होगी सीड बैंक जहाँ पे जीन बैंक कोई को जीन को अगर आपने प्रिजर्व करना है मान लीजिए कोई ऐसा जैसे अपना राइनो है सपोज अगर उसका बहुत ज़्यादा नंबर कम हो गया तो उसके जीन भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर ताकि फ्यूचर के अंदर अगर हमें उससे जो ऑर्गेनिज्म बनाना पड़े है ना ऐसी टेक्नोलॉजी काफ़ी अभी चल रही है रिसर्च तो हम वो बना सकते हैं तो बहुत सी एंडेंजर स्पीसीज है जिनका हम जीन या फिर सीड प्रोटेक्शन कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन ठीक है जी क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर होता क्या है दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई जीन है या फिर है ना सीड है जो भी मतलब अलग अलग टेम्परेचर सीड के हिसाब से भी रखते हैं लेकिन बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं ये आप अपने ध्यान रखना है अब जीन बैंक है अब वहां पे क्या होगा लिक्विड नाइट्रोजन नॉर्मली जो वन माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम यूज करते हैं अब इतने लो टेम्परेचर के ऊपर उसको जो सेल है पर्टिकुलर उसको पूरा फ्रीज़ कर देते हैं अब सेल के अंदर होता है वाटर अगर आपने सीधे सेल को फ्रीज कर दिया अब वाटर के अंदर क्या होगा वो आइस क्रिस्टल बन जाएंगे और सेल की डेथ हो जाएगी लेकिन इसको प्रिजर्व करना है हमने तो हम नाइट्रोजन भी साथ में डालते हैं और जब हम फ्रीज करते हैं तो ये जो वाटर है उसको डिस्प्लेस करते हैं उसकी जगह फ्लूड आ जाता है वो फ्लूड नॉर्मली ग्रिसोल हो होता है ठीक है जी अब ये जो ग्लिसरोल है ये आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन नहीं बनने देता ठीक है ताकि सेल की डेथ नहीं होती ठीक है जी तो ये डैमेज सेल को वो प्रोटेक्ट कर देता है उसके बाद जब हम टेम्परेचर विद अ टाइम इंक्रीज करेंगे अगर हम वहाँ से अगर हमें यूज़ करना है तो बाहर निकालेंगे तो जो ग्लिसरोल है उसको रिमूव करके वाटर उसकी जगह आ जाता है ये है साइंस बिहाइंड क्रायो प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर ठीक है जी अब बात करते हैं इस टॉपिक की तो यहाँ पर रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने वर्ल्ड की जो सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक है वो इनोग्रेट की है ठीक है कहाँ पे की है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स अब नेशनल जीन बैंक जो हमारी है ये 19 अराउंड नाइनटीट नाइन्टी सिक्स के अंदर हमने स्टार्ट की ठीक है जी थी? अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा uh, uh, जो जर्म प्लाज्म है जर्म प्लाज्म होता है जैसे मान लीजिए सीड है प्लांट का या फिर कोई प्लांट का पार्ट है जो पूरे प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाए ठीक है चार क, uh, तरह की फैसिलिटी हैं सीड जीन बैंक भी है करायो जीन बैंक भी है ठीक है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे उनको कंडीशन चाहिए इन विट्रो भी है ठीक है जी एंड फील्ड जीन बैंक भी है ये हमारी हैं तो यहाँ पे हमने काफ़ी जो प्लांट्स पीसीज वगैरह हमने रखी हुई हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्स अगर आपको यूपीएससी प्री के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है तो दो चीज़ें याद रखनी है किसके अंदर है आई के अंदर ठीक है जी नोडल ऑर्गेनाइजेशन बाकी तो इसको नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि इसका काम क्या है वो तो स्टेटमेंट आपकी सही होगी लेकिन बस अंडर किसके कंट्रोल है वो आपने ध्यान रखना है दूसरी बात इसके अलावा कहाँ पे है एक तो बहुत फेमस है भाई है ना नॉर्वे के अंदर सॉल बाट ग्लोबल जो सीड वॉल्ट है ठीक है जो ग्लोबल के क्योंकि देखो ये ज़्यादातर वहाँ पे उस एरिया के अंदर होंगे जो ठंडा एरिया है अब वहाँ पे क्योंकि भाई पहले ही लो टेम्परेचर है थोड़ा सा और हम करेंगे तो वो काम हमारा हो जाएगा दूसरी बात चंगला लद्दाख के अंदर है अपने ठीक है जी इसके अलावा नेशनल एनिमल जीन तो यहाँ पे याद रखना यूपीएससी पूछेगी कि अकेले सीड रख सकते हो भाई एनिमल जो मर्जी रख लो आप ठीक है जी क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर ये भी बोला जाता है हाइपोथेटिकल है अभी के लिए कि जैसे कोई छोटा बच्चा है ठीक है अब उसको आपने क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर रख दिया बीस साल वहां पर रख दिया उसको इस इसकी ये एप्लीकेशन है बीस साल बाद निकालोगे तो तब भी छोटा बच्चा ही होगा ठीक है तो ये एक क्रायो प्रजर्वेशन की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जो फ्यूचर के अंदर हमें देखने को मिलेगी क्रायो इन भी आप क्या होता है ये भी बताना मुझे ठीक है बायो नैनो कैरियर हमने नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ी डिटेल के अंदर भी नैनो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है बस वो नैनो स्केल के ऊपर डमेंशन है कोई भी चीज़ है उसकी जो बिल्कुल बारीक जो नैनो स्केल के ऊपर डमेंशन है वो नैनो टेक्नोलॉजी है एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, है ना कि भई आपका टीवी भी है जो ये भी आपका बिल्कुल एक जैसे पेंट की तरह थिन हो जाएगा बस काम ख़त्म बहुत ही नैनो स्केल के ऊपर काम होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी मेडिसिन हम खाते हैं अब वहाँ पे नैनो कैप्सूल भी एक होते हैं नैनो कैप्सूल के अंदर आपने मेडिसिन डाली वो डायरेक्टली जो टारगेट है वो उसके अंदर जो डायरेक्टली जहाँ पे पहुँचनी चाहिए वहीं पे पहुँचती है अगर जैसे अभी मैंने कोई मेडिसिन खाई मेरे स्टमक के अंदर गई किडनी से फिल्टर हुई वहाँ पे भी है ना ब्लड वगैरह फिल्टर होता है तो ये सारी जो क्योंकि वो तो पूरी ब्लड के अंदर जाएगी और बॉडी अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बड़ा पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर अब हुआ क्या है जो विसरा लेशमेनियसिस है जिसको काला अजहर भी बोलते हैं ठीक है थीके? जी अब ये किससे फैलता है सैंड फ्लाई से फैलता है पहली बात नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है अब इसके इस डिजीज को हमने कंट्रोल करने के लिए हम नॉर्मली पहले क्या यूज़ करते हैं इंट्रावीनस आप जो इंजेक्ट करते हो मेडिसन अब इसकी कॉस्ट भी बड़ी ज़्यादा हो जाती है और पेशेंट के ऊपर इम्पैक्ट भी बड़ा पड़ता है दूसरा है ओरल मेडिसन आप दो ठीक है जी अब ये औरल मेडिसिन आपकी लिवर स्टमक के अंदर जाएगी किडनी के अंदर जाएगी साइड इफेक्ट हो गए टॉक्सिक है ना तो रीनल टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है दूसरा अब देखो जो साइट ऑफ एक्शन है जहाँ पे उसने एक्शन करना है उसके लिए जो अगर 100 परसेंट है तो हार्डली 2 परसेंट बचती है तो बायो अवेलेबिलिटी भी जो अराउंड टू है तो अभी साइंटिस्टों ने क्या किया फिर इन्होंने नैनो कैरियर इन्होंने विटामिन बी पहले लिया ठीक है जी विटामिन बी ट्वेल्व को क्या किया इन्होंने एक सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल बनाए ठीक है बहुत ही स्मॉल स्केल अब इसका बेनिफिट क्या होता है देखो जब नैनो स्केल के ऊपर कोई चीज़ होगी सेल के अंदर इजीली घुस जाएगी है ना तो उसका जो इम्पेक्ट है वो जो इफेक्ट है वो अच्छा होता है तो पहले तो उन्होंने एक लिपिड नैनो पार्टिकल लिया उसके अंदर जो भी मेडिसिन उसको कोड कर दिया विटामिन बी से विटामिन बी जो है ये बेसिकली आपका जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको डिक्रीज करता है ठीक है इट मीन्स के जब टॉक्सिक इफेक्ट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा इसके अलावा जैसे अपने जो माउथ का अगर पीएच एच पाँच से छः रहता है ना अब जैसे आपका स्टमक के अंदर गई वहाँ पे वन टू टू पीएच रहती है तो वो काफ़ी एसिडिक रहता है तो कोई भी वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है मेडिसिन का वो विद इन द टाइम के वहाँ पर घुल जाएगी है ना लेकिन ये जो विटामिन बी ट्वेल्व से हम कोट करते हैं ये उस गैस्ट्रिक एसिड से भी बचाता है कि वहाँ पर इतना जाए ना तो इट मीनस के अब वहाँ पर तो घुलेगा नहीं इतना तो वो इसका जो साइट ऑफ इम्पेक्ट है जो बायो अवेलेबिलिटी वो ज़्यादा होगी जिस साइट ऑफ प्लेस के ऊपर इसने एक्शन करना है। यही है इसका जो इन्होंने ये क्रिएट ठीक है दोस्तों अब तपास इनिशिएटिव दोस्तों मिनिस्ट्री पहले याद रखनी है अपने सोशल जस्टिस अब यहां क्या है? पहले तपास का ट्रेनिंग ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज ठीक है जी देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने क्या किया आपको पता है COVID हुआ। COVID के कारण हमने बहुत सी मूक जिसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बहुत चले अब इसका बेनिफिट क्या वो कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हमने जो सोशल डिफेंस के अंदर काम करना है मतलब सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है क्राइम से तो वहाँ पे उसके लिए भी कोर्सेज हमने स्टार्ट कर दिए तो ये तपास इनिशिएटिव बेसिकली है क्या ये यहाँ पे आपको कोर्सेज देंगे जो आपने सोशल डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हो मतलब आप क्राइम डिक्रीज़ कर सकते हो तो यहाँ पे पांच टाइप के मेनली कोर्सेज़ हैं जैसे ड्रग अब्यूज़ के ऊपर है उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है लोगों को कैसे तो एल्डर की केयर कैसे करनी है है ना डिमेंशिया ठीक है जी जो मेमोरी लॉस वगैरह ट्रांसजेंडर इश्यूज, इनके ऊपर कोर्सेज दिए जा रहे हैं अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ये भी आपने ध्यान रखना है कोई भी किसी का दिल करता है तो वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है ऐसा यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है ठीक है दूसरी बात आपने याद क्या करना है मिनिस्ट्री का नाम याद करना है और इसका पर्पज़ क्या है और कौन इसको ज्वाइन कर सकता है कौन नहीं बस ये याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के अंदर दो चीज़ें याद करनी है मिनिस्ट्री कौन सी है सोशल जस्टिस दूसरी बात अब ये इसका नेचर क्या है सोसाइटी है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये रजिस्टर है दैट्स इट सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे के ऊपर प्रधानमंत्री ने कुछ चीज़ें बोली बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ लेकिन अगर क्योंकि हमने ये पढ़ी भी है पहले नेशनल हाइड्रोजन मिशन You know, के हमने हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन ये सारी ब्लू हाइड्रोजन ये पड़ी ये क्लीन फ्यूल है जो फ्यूचर का है तो यहां पे आईयर से एक लिंक कैसे करना है भाई वेस्ट जो ईस्ट uh, है उसकी डिपेंडेंस उसके ऊपर थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर ये हमारा काम चल पड़ा तो दूसरी बात यहां पर एक बोला गति शक्ति मास्टर प्लान ठीक है कि होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम जनरेट करेंगे वंदे भारत ट्रेन ये ट्रेन पहले भी काफ़ी न्यूज़ के अंदर रही है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन हैं सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स जितने भी सैनिक स्कूल हैं ओपन कर दिए हैं गर्ल्स के लिए राइस फोर्टिफिकेशन बायो फोर्टिफिकेशन और फोर्टिफिकेशन जो जनरल फोर्टिफिकेशन है उसके बीच में क्या डिफरेंस है सप्लीमेंटेशन तीनों के बीच में मैंने डिफरेंस करवाया था रिसेंटली है ना फिर भी अगर आपने कोई टॉपिक ऐसा होता है कि भाई आपने जो देखना होता है कि कहाँ से आएगा तो वो आप देख सकते हो ठीक है दोस्तों ओके इसके अलावा बात करें इंडियाज़ फ्लैग कोड एंड रूल्स ठीक है जी नेशनल फ्लैग ये देखो इंडिया एक्सप्रेस के ऊपर आर्टिकल आया अब ये आर्टिकल ऐसे कोई कंटेक्स तो नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट है हमें तो कवर करना है पहली बात तो हमने जब यूपीएससी पूछती है कि भाई पहली बार नेशनल फ्लैग जो अडॉप्ट किया गया वो कहाँ पे क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए 1906 के अंदर फर्स्ट जो नेशनल फ्लैग था ठीक है अब इसके अंदर तीन हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स थी ठीक है पहली बात तो अगर यूपीएससी पूछे मान लीजिए कि 1947 के अंदर हमने जो पहली बात तीन जो स्ट्रिप्स थी वो यूज़ की नहीं पहले भी थी ऑल कलर उसका अलग था ठीक है उसके बाद 1921 के अंदर पिंगाली वेनकवेया तो यहाँ पे महात्मा गांधी से मिले इन्होंने भी आ, बोला कि हम आ, जो नया फ्लैग प्रपोज़ किया 1931 कराची ये तो हमें पता है है ना उसके बाद 1947 के अंदर दूसरी बात आपने ध्यान रखना है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने क्या याद करना है कि भाई नेशनल आ, जो है अपना क्या बोलते हैं उसको नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग एंड कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने ध्यान में रखना है तो बस इतना आप कर लो ठीक है दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे कौन से रूल गवर्न करते हैं पहले तो एम्बलम एंड नेम्स अगर आप उसका इंप्रॉपर यूज करते हो जैसे एम्बलम के अंदर यहाँ पे फ्लैग भी आता है तो अगर आप उसका इम्प्रॉपर यूज करते हो तो यहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन है उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अब यू पूछ लेती है कि भाई प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट जो है नाइनटीन ये क्या क्या प्रोहिबिट करता है या अगर आपने नेशनल फ्लैग को इंसल्ट किया तब उसको दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दूसरी बात तीसरी नेशनल एंथम ये तीनों को करता है बस ये आपने दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी आपको तीनों के तीनों याद करना पड़ेंगे अगर फिर भी कोई ऑफेंस होता है तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कोई इलेक्शन लड़ना है वहाँ पे भी छः साल के लिए बंद है उसके अलावा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया तो ये 2002 के अंदर थोड़ा सा गवर्नमेंट ने मॉडिफाई भी किया प्राइवेट जो बंदा था उसको थोड़ा सा राइट दे दिया कि ठीक है भाई तू भी अपना जो है ना चाह होता है भाई बंदे को कि फ्लैग मैं भी होस्ट करूँ तो वो भी उसको भी वहाँ पर दे दिया कि कोई बात नहीं ठीक है तो इनेबल सिटीजन टू हॉस्ट ट्राई ट्राई कलर अपने हाउसेस के फैक्ट्रीज ऑफिस वगैरह वहां पे इसको दे दिए गए लेकिन यहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन वो स्ट्रिक्ट कर दिए गए यहां पे क्या किया गया पहले तो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले दूसरी बात ठीक है जी प्री एग्जिस्टिंग जो रूल थे उनको ये साइड में नहीं करेगा मतलब ऐसा नहीं इसने ओवर रूल कर दिया कि पहले वाले जो रूल थे वो खत्म कर दे तीसरी बात कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते टू द पॉइंट आपने याद रखना है अगर आपने ऑफिशियल डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जो उसने जो डायमेंशन दी है उसके हिसाब से होना चाहिए याद रखना जैसे मान लीजिए आप लोग यू ने एक इसको छोड़ के वैसे ही पूछ लिया कि बी क्या एस करता है हॉल मार्किंग करता है ना और कौन कौन से स्टैंडर्ड देखते हैं वहाँ पर आपको बता दिया कि नेशनल फ्लैग के भी ये देखता है वो भी करेक्ट है उसके अंदर एड ऑन करना है ऐसे ही हमारे मार्क्स आएंगे धीरे धीरे ठीक है क्या अलाउड नहीं है ठीक है जी आप कम्युनल गेन के लिए या ड्रेप्स या कुछ ऐसा नहीं यूज़ कर सकते ठीक है जी ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए ठीक है कैन नॉट बी प्लेस्ड बिलो अदर फ्लैग ठीक है अब आपको पता है लाल किले वाला भी जो केस हुआ था रिसेंटली तो उसके कंटेक्स में भी आपसे ये पूछा जा सकता है ठीक है दोस्तों इसके अलावा पार्ट फोर ए के अंदर आपको पता है फिफ्टी वन ए जो फंडामेंटल uh, ड्यूटीज है वहां पे भी सिटीजन को ड्यूटी है कि इसको प्रोटेक्ट करना है वन दैन प्रोड्यूसर कंपनी एस यू नो कि हमने पहले पढ़ा था कि वन प्रोग्राम क्या है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ट्राइबल एरिया से निकलती है उसको हमने एक वैल्यू देनी है है ना तो उसको हमने उसका भी जो मिनिमम प्राइस भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है अब उसको हमने प्रोडक्ट उनके हैं लेकिन उसको थोड़ा सा आपने प्रमोट करना है एंटरप्रीनरशिप को इनक्रीज़ करना है इसके लिए क्या होना चाहिए पहले तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है मान लीजिए वहाँ पे कुछ लोगों ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया दूसरा बनाया तीसरा बनाया अब वो इकट्ठे हो गए उन्होंने एक मान लीजिए बाद में कंपनी बना ली तो जो पहले जो ट्राइबल का जो प्रोडक्ट है अब ये कंपनी ऑर्डर लेगी बड़े बड़े और इसका ग्रोथ होगी तो बेसिकली वन धन तो उसको हमने बेनिफिट किया यही है वन धन प्रोड्यूसर कंपनी जो बाद में वो कंपनी बनाती है एंटरप्रीनरशिप को इम्प्रूव किया तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने टू हंड्रेड वन धन प्रोड्यूसर कंपनी की यहां पे 27 सेवन के अंदर बोला कि नेक्स्ट फाइव ईयर के अंदर हम करेंगे दूसरी बात जो एग्जिस्टिंग है तमिलनाडु के अंदर एक अच्छा रिजल्ट है ये आपकी एक एग्जाम्पल है जो आपने नोट करनी है ठीक है दोस्तों इसके अलावा यहां पे वन प्रोग्राम के मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ओके तो यहां पे ट्राईफेड इसको इंप्लीमेंट करता है ये वाली चीज़ जो थी हमने पहले भी की है ये वही से मैंने कॉपी करके रखा हुआ है तो रिसेंटली हमने पढ़ा था है ना तो संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम ट्राईफेड बेसिकली क्या है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये आपने ध्यान रखना है बस दैट्स इट तो ये किसके अंदर कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसके अलावा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग का काम भी देखती है वन धन विकास केंद्राज भी बनाए हुए हैं ट्राई फूड भी बनाया जो मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्राई फेड तीनों काम मिलकर जिन्होंने बनाया है तो ये हमने ऑलरेडी भी किया हुआ है पहले भी तो आपको सिर्फ एक बार थोड़ा सा क्योंकि रिविजन ज़रूरी है इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ साथ में प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड्स देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं चाहे वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हो पीएसयू के अंदर हो इवन प्राइवेट अंडरटेकिंग यूनिट हो है ना वहाँ पे भी जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी रेवोल्यूशनरी काम किया है प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ाई है उनको कुछ ना कुछ प्राइज मिलना चाहिए उसी को बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड्स ठीक है जी अभी रिसेंटली ये 2018 के लिए दिए गए याद एक, एक एक इसके अंदर चीज रखनी है कि जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हैं जिनके अंदर पाँच या पाँच सौ से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया कि हम उनको भी अवार्ड देंगे तीन टाइप के अभी रिसेंटली अवार्ड दिए लेकिन जो टोटल हैं श्रम रत्न अवार्ड है श्रम भूषण है श्रम वीर है एंड श्रम श्री है बहु, आ, बहुत ऐसू नो के भाई बहुत ज़्यादा अवार्ड नहीं पूछे जाते यू पी एस सी के अंदर लेकिन हाँ जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्राइवेट जो सेक्टर यूनिट्स से हैं उसके अंदर भी उनको इंक्लूड करते हैं ठीक है दोस्तों ओके तो इसके बाद कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल देखिए भाई यू एस जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसने एक रेजोल्यूशन पास किया कि महात्मा गांधी को भी ये कांग्रेशनल जो गोल्ड मेडल दिया जाए अब ये मेडल जो है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो जैसे अगर मैं बोलूँ के जो रेवोल्यूशन्स हुई हैं टाइम टू टाइम है ना उनको अवार्ड जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन है वॉर ऑफ मैक्सिकन वॉर है उसके टाइम के ये ऐसे लोगों को दिया गया लेकिन बाद में इन्होंने और भी कैटेगरी स्पोर्ट्स होगी आपको आ, फिल्म वगैरह इस इंडस्ट्री के है ना बहुत से जो इसका क्राइटेरिया वाइड कर दिया अब महात्मा गांधी को अगर मिलता है तो फर्स्ट इंडियन ये होंगे पहली बात तो हमें क्या इसके अंदर याद रखना है बस इतना याद रखना कि यूएसए रिलेटेड है तो इंडिया को अभी तक तो किसी को मिला नहीं ठीक है महात्मा गांधी पहले महात्मा गांधी क्यों मिला मिलेगा सत्याग्रह ठीक है सत्याग्रह की वजह से और यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गया देन आ, अपना नेल्सन मैंडेला तो काफ़ी इंस्पिरेशन है और फ्यूचर के अंदर ये काफ़ी इंस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है ये हमारा पेपर फोर के अंदर आपको क्वेश्चन हर साल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूपीएससी कहीं ना कहीं से निकाल के महात्मा गांधी की वैल्यूज या कुछ ऐसा पूछ लेती है इनडायरेक्टली पूछती है तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको ये मैंशन करना होता है अलमोहद अल हिंदी एक्सरसाइज सिंपल सी चीज याद रखनी है दो पहली बात तो कहाँ पर इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में एक्सरसाइज है एंड नेवी एक्सरसाइज है दैट्स इट इसके अलावा यहाँ पे कोई एक्सरसाइज के अंदर यूज़ नहीं करना हमने कि बहुत ज़्यादा अगर हाँ कोई मेजर एक्सरसाइज हो तो ऐसी तो उसको हम देख सकते हैं विटामिन एन बीटा कैरेटिन ठीक है जी वंदे भारत बिल्कुल ठीक है ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाया नैनो टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है सीड वॉल्ट वॉल्ट नॉर्वे इंडियन ठीक है जी स्पीड ऑयल, इट वॉज न्यूज़ मेन कॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ परमाप्रॉस बिल्कुल ठीक है दुर्गेश सर काइंडली गिव द लिस्ट ऑफ मिसाइल्स एंड टेलस वट आर मेजर एनिमल अरे मिज़ाइल की तो हमने साइंस एंड टेक के अंदर कवर किए हैं तो मिज़ाइल की लिस्ट साइंस एंड टेक के अंदर हमने लास्ट के अंदर मैंने सारी करवाई है आपको जहाँ जहाँ पर हमने एम सी क्यू किया है ठीक है जी ओके बी टी कॉटन ओनली एडिबल जी एम क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन इंडिया कुनल ने बोला ठीक है, है जी प्रजन फॉर एट लीस्ट टू जॉम्बू हैज नो सीन ठीक है दोस्तों ओके मोस्ट एंड डेंजर मोस्ट साइड्स एनिमल देखो साइट्स वन टू थ्री इन टर्म ऑफ प्रोटेक्शन बींग हाईस्ट मुझे ये बताओ आई यूशी ने बोला मोस्ट इंडेंजर अमंग एनिमल्स लिस्टर्ड एंड प्लाट्स अरे आपसे पूछा था मैंने कि जो साइट्स वन से लेके टू एंड थ्री यहाँ पे इसकी अगर मैंने कोई स्पीसीज ऐड करनी है क्या वो वोटिंग होती है या कंट्री की जो खुद मतलब कंट्री की रिक्वेस्ट पे सीधी हो जाती है ये आपने ध्यान आपने करना है क्योंकि ये मैंने आपसे पूछा था ठीक है तो इसका आपने कमेंट करना है मैंने दो बार ये क्वेश्चन करवाया हुआ सो so, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपने दो चार जो भी आपके जो डाउट्स हैं जो आपने बोला कि टॉपिक कवर कर दें एनिमल का भी जो इन्होंने बोला कि जो नाम वगैरह वहाँ पे सर बता दें कौन कौन से प्रिपेयर करने मैं फुल ईयर के करंट अफेयर के निकाल के इस महीने के लास्ट तक वो सारा हम कवर कर देंगे ताकि उसकी आप रिवाइज कर सको सो दिस इज़ आल फॉर टूडे थैंक यू